एटीएम की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह। नई गली में एटीएम के अंदर गाय का बसेरा, चारों तरफ बिखरा गोबर, लोग नाक बंद करके निकाल रहे हैं पैसे। एटीएम की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह। नई गली में एटीएम के अंदर गाय का बसेरा, चारों तरफ बिखरा गोबर, लोग नाक बंद करके निकाल रहे पैसा। बड़ा सवाल, एटीएम की सुरक्षा कैसे होगी? कभी भी कोई भी अपराधी यहां पर गंभीर वारदात कर सकता है। एटीएम के अंदर गायों का बसेरा, गायों ने जगह जगह किया गोबर, लोग नाक को बंद करके एटीएम से निकाल रहे नई गढ़ी थाना क्षेत्र के अंदर पैसा। इन दिनों नई गढ़ी एटीएम बूथ बना चर्चा का विषय। गाय ने बूथ को बनाया अपना घर, नाक बांधकर पैसा निकाल रहे लोग, एटीएम से युवक ने बनाया वीडियो। इस वीडियो को देखकर हंसिए या रोइए, आपकी मर्जी। इतना तो तय है, अगर किसी अपराधी ने देख लिया तो गंभीर हादसा एटीएम में हो सकता है। मारपीट का वायरल वीडियो हो या फिर कोई और भी, लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों बड़ी तेजी से रीवा जिले में वायरल हो रहा है। यह वीडियो हैरान करने वाला नहीं, आपको गुदगुदाने वाला भी हो सकता है। वायरल वीडियो देखकर आप खुद ही तय करिए, आपको हंसना है या रोना है। जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र में स्थित एक एटीएम में पैसा निकालने गए चाचा का भतीजे ने पैसा निकालते समय वीडियो बना लिया अपने मोबाइल कैमरे में। उसको जो भी रिकॉर्ड किया वो आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। लोग इस वीडियो को देखकर खुद की हंसी नहीं रोक पा रहे। दरअसल चाचा और भतीजा पैसा निकालने एटीएम बूथ पहुंचे, लेकिन पहले से ही वहां एक गाय मौजूद थी। गाय ने पूरे एटीएम बूथ के अंदर गोबर कर रखा था, जिसके कारण नाक में टी शर्ट लगाकर चाचा पैसा निकालने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान भतीजे ने वीडियो बना लिया। यह वीडियो आपको गुदगुदाएगा जरूर, लेकिन कई सवाल भी खड़े करता है। एटीएम को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है ग्रामीण इलाकों में एटीएम की देखभाल, उसकी सुरक्षा किस तरीके से की जाती है। एटीएम हमारे घर के बाजू में है, यहाँ पर आवारा पशुओं का अडंबर रहता है और यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है। ना सफाई की व्यवस्था है, ना उजाले की, और ना कोई व्यवस्था है, देख रेख करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर बारिश के मौसम में आवारा पशु भरे जाते हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि पूरी गंदगी का बिल्कुल जंगल राज कायम है, और इसको कोई सफाई करने वाला भी व्यक्ति नहीं है, ना कोई देख रेख करता है, और दिन भर पशुओं का डेरा रहता है। जो कस्टमर आते हैं पैसा निकालने, उनको गंदगी का और पशुओं से बच बचाव करके असुविधा का। क्या नाम लिखते हैं? मनोज गुप्ता।